हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ इद्रिसानी। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। आई रियली होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, 6:45 हो रहा है। वैसे मैं 6:30 बजे उठी हूँ, और उठने के बाद तो सबसे पहले मैं आप लोगों का कॉमेंट ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि पता नहीं रात भर में कितने सारे फ्रेंड लोग कॉमेंट किए होंगे, पहले देख लेती हूँ। और उसके बाद मेरा मॉर्निंग रूटीन भी स्टार्ट हो जाता है। जब भी उठो तब भी घर में सबसे पहले खिड़की और दरवाज़ा खोलो, उसके बाद झाड़ू लगाओ। और ये सारे काम तो हर लोगों का रहता होगा। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना मैरिज स्टोरी भी शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे फ्रेंड लोग का कॉमेंट आ रहा था कि आप अपना मैरिज स्टोरी शेयर कीजिए, तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी शादी कैसे हुई थी, लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी। पूरे घर में झाड़ू लग गया है, और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने लिए पानी गर्म करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में अगर गर्म पानी नहीं पीती हूँ ना, तो सारा दिन मेरा अजीब सा मन हो जाता है, आदत बन गई है। और उसके बाद मैं फटाफट से खाना भी बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है। हरा मटर को एक सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। और देखिए द्रिसानी भी सोकर उठ गई है, और आज वो जल्दी उठ गई है। अभी 8 भी नहीं बजा था, 7:30 हो रहा था, और हमेशा तो वो 8, 8:30 बजे उठती है, और कभी कभी तो 9 बजे तक सोए रहती है। और जब भी उठती है ना तो किचन में आ जाती है, क्योंकि उसको पता रहता है कि मम्मी किचन में ही मिलेगी। तो बच्चे जब भी उठते हैं ना तो माँ को ही ढूँढते हैं, और वो तो सोते वक्त भी मुझे ही ढूँढती है। और जब तक मैं उसके पास नहीं आती हूँ सोने के लिए, तब तक वो नहीं सोती है। जब तक मैं जगी रहूँगी तब तक वो जगी रहती है। रिशानी हो गया, तुमसे नहीं जाएगा ऊपर। रिशु हो गया बेटा, छोड़ दो छोड़ दो, आ जाओ इधर। गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग। हो गया हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी पौधे में पानी देना भी हो गया है, और घर में पानी भी आ गया है। 8 बज गया था, और कल रात को ही मैं ये सारे कपड़े धो के रखी हुई थी, और अभी तक बाथरूम में ही पड़ा हुआ है, तो इसे मैं सूखने के लिए डालूंगी। कल शाम को मैं कपड़ा उतारना भी भूल गई थी, और कोई कोई कपड़ा ना सूखा भी नहीं था, तो इसलिए मैं सारे कपड़े को छोड़ दी। तो अभी मुझे उतारना पड़ रहा है, और अभी सारे कपड़े उतारने के बाद मैं अभी जो कपड़े रखी हूँ उसे सूखने के लिए डालूंगी। और अभी मॉर्निंग में भी बहुत सारा कपड़ा हो गया है धोने का, तो उसे भी मुझे धोना है। और आज मुझे ना ये ड्रम को साफ़ करना है, क्योंकि हमेशा मैं 10 दिन पे इसे साफ़ कर देती हूँ, और इसमें जो पानी रहता है ना उसे चेंज कर देती हूँ। तो काफ़ी टाइम से तो मैं इसे धो ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं आ रहा था इसलिए। तो आज थोड़ा ज़्यादा पानी आया है, तो मैं इसे धो दी हूँ, और इसमें पानी मैं स्टोर करके रखूँगी। और उसके बाद मैं नहा ली हूँ, क्योंकि पूरा से मैं गीला हो चुकी थी। और नहाने के बाद मैं फटाफट से खाना बनाने लगी हूँ, और आज खाने में मैं बनाऊँगी दाल, चावल और मटर और पनीर की सब्जी।
sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. सबसे पहले मैं पनीर को फ्राई करके निकाल ली हूँ और ये पनीर और मटर की सब्ज़ी बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ। तो मैं कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ और उसमें मैं हरी मिर्च डाली हूँ, जीरा डाली हूँ और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाली हूँ। हरी मिर्च को मैं बीच से कट लगा कर डाली हुई थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा उड़ने लगता है। उसके बाद इसमें मैं प्याज डाली हूँ और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून ली हूँ। उसके बाद इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ और उसे भी थोड़ा टाइम तक भून ली हूँ। और जब अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है, उसके बाद इसमें मैं टमाटर डाल दी हूँ और टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा सा मैं नमक डाली हूँ और थोड़ा टाइम तक भून ली हूँ। उसके बाद सारे मसाले डाल रही हूँ, ड्राई मसाले, जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर। और अभी मैं मसाले को थोड़ा टाइम तक ऐसे ही फ्राई करूँगी और उसके बाद इसमें मैं पानी डाल के मसाले को अच्छे से भून लूँगी ताकि मसाला जले नहीं। और मसाले जब अच्छे से भून जाएंगे, उसके बाद जो बॉईल किया हुआ मटर है उसे मैं डाल दूँगी और थोड़ा टाइम तक और भून लूँगी मसाले को मटर के साथ, ताकि मटर के अंदर भी मसाला का फ्लेवर चला जाए। उसके बाद इसमें मैं पनीर जो फ्राई करके रखी हुई थी उसे मैं डाल दी हूँ और एक से दो मिनट तक और मैं भून लूँगी मसाले के साथ पनीर को भी। और उसके बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी, जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और एक से दो मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद इसमें मैं धनिया पत्ता डाल दूँगी और ये सब्जी बनके रेडी हो जाएगा। बहुत डिलीशियस लगता है, सिंपल है बनाने का तरीका लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। क्या कर रही है दिशानी? पापा जा रहे हैं ना, पापा को बाय बाय बोल दो। क्या हुआ? क्या तू ऑफिस जाना है? तुझे मुझे मार्केट जाना है। मार्केट जाना है? और ये सारे पेंसिल को क्या करने वाली है तुम? इधर से जाके बाय बोलो ना। और अभी हस्बैंड चले गए ऑफिस और दृशानी बालकनी में आ जाती है और वेट करती है अपने पापा को नीचे आने का। और जब भी वो जाते हैं ना, तो इधर से वो बालकनी से ही बाय बाय बोलती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि मेरे हस्बैंड ना भूल जाते हैं मास्क, और दृशानी याद दिलाती है कि पापा आपने तो मास्क पहना ही नहीं। और हस्बैंड फिर ऊपर आते हैं और मास्क पहन के जाते हैं, हमेशा ऐसा होता है। और अभी मैं दृशानी को नहला दी हूँ और रेडी होकर देखे वो क्या कर रही है। किचन के विंडो को बंद कर लेती है और उसमें देख देख कर ना वो डांस करती है। उसको लगता है कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन अंदर से बाहर सब दिखता है, बाहर वाले को अंदर कुछ भी नहीं दिखता है। तो वैसे ही वो ना बंद करके और डांस करती है और लॉक लग जाता है तो मुझे चिल्लाने लगती है कि मामा खोलो। गाइज अभी 1 बज गया है और अभी मैं आप लोग से मिल रही हूँ। सुबह से ही काम कर रही हूँ और काम में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी ना कि अभी मुझे टाइम मिला है। दिशु ऐसा मत करो, दिशु ऐसा मत करो। नहीं बेटा वैसा मत करो, खराब नहीं, यहाँ बैठो। तो अभी मैं दिलशानी को खाना खिलाऊंगी और उसके बाद मैं इसे सुलाऊंगी। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मैरिज स्टोरी। तो आज मैं सोची चलो आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत सारे फ्रेंड लोग कमेंट करते हैं कि आप अपना मैरिज स्टोरी बताइए, आपकी मैरिज कैसे हुई थी, लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी। तो सबसे पहले मैं बोल दूँ, हमारी शादी लव मैरिज नहीं हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी।
तो कैसे हुई थी ये भी कंफ्यूजन होगा ना, क्योंकि हमारे हस्बैंड असम से, मैं बिहार से, मैं बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड असम से ही है और वो असम से ही है, प्रॉपर वो असम से ही है और मैं बिहार से हूँ। तो हमारी शादी कैसे हुई थी, और हम लोग अदर कास्ट नहीं है, एक ही कास्ट के लोग हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड 5 भाई है और एक उनकी बहन है, और वो भाई में सबसे छोटे हैं। तो उनके जो बड़े वाले भैया है ना, वो बिहार में रहते हैं, और वहाँ पे हमारे हस्बैंड का घर भी है, बहुत बड़ा घर है। और हमारे पापा जी ने, मतलब हमारे फादर इन लॉ ने बहुत बड़ा घर बनवाया है वहाँ पे, लेकिन कोई रहता नहीं है। लेकिन कभी कभी जो लोगों को मन होता है बिहार घूमने का, बिहार जाने का, तो वो लोग आते हैं बिहार, तो वहाँ पे घर है तो वहाँ पे रहते हैं, बाकी तो अकेला भैया रहते हैं। तो हमारी शादी ना भैया के थ्रू ही हुआ था, और भैया जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ हमारा मामा का घर है, तो हमारा मामा ही रिश्ता बताए हुए थे हमारे पापा को। तो मेरे पापा गए, भैया से बात किए, फिर भैया आसाम फोन किए और सबको बताया, तो सब लोग सोचे कि चलो देखते हैं। और मेरे हस्बैंड के लिए लड़की वैसे भी देखा जा रहा था, और तो मेरे हस्बैंड ना उस टाइम मुंबई रहते थे, तो उनको बोला गया कि डायरेक्ट बिहार आने के लिए। तो सब लोग मुझे देखे तो सब लोगों ने पसंद कर लिया, मेरे हस्बैंड ने भी पसंद कर लिया, क्योंकि मैं ना एकदम पतली थी और मेरे हस्बैंड को ना पतली लड़की चाहिए था, और मैं सच में बहुत पतली थी। लेकिन जब मैं उन्हें देखी ना, तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, ये कौन है। और पता है सबसे पीछे ना वो बैठे हुए थे। जब लड़की को दिखाया जाता है तो फैमिली वाले लोग आते हैं, तो अगर लड़का भी आता है तो मतलब सामने बैठना चाहिए ना, ये सबसे पीछे बैठे हुए थे, मुझे पता ही नहीं था। और जब मैं सबका पैर छूने गई ना, मतलब मैं लड़की थी तो सबको तो पैर छूना ही पड़ेगा, तो सबका पैर छूने गई तो वो सबसे पीछे बैठे हुए थे, और उनका जब मैं पैर छूने गई ना, तो वो बोल रहे यहीं से ऐसे हाथ कर रहे, नहीं 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 नहीं। तो मुझे क्या लगा, मुझे लगा ना कि ये शायद ना लड़का का, ये तो छोटा भाई होगा, और मैं ना कंफ्यूज हो गई थी, अरे छोटा भाई ये तो क्या हो गया, शादी थोड़ी हुआ है, अभी तो पैर तो छुआ सकता है। और इतना दिमाग में नहीं आया कि ये ही लड़का हो सकता है, क्योंकि मैं किसी के भी चेहरे पे इतना गौर से नहीं देख रही थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या सोचेगा सब, तो मैं ज्यादा नहीं देख रही थी। और ये ना एकदम सामने बैठे थे, एकदम पीछे बैठे हुए थे सबके पीछे, और एकदम गौर से मुझे देख रहे थे, एकदम ध्यान से मुझे देख रहे थे। और हम दोनों को बोला गया अकेले में बात करने के लिए, मतलब कुछ भी डिसीजन लेना है तो लड़का लड़की को ही लेना पड़ता है ना। तो हम दोनों गए ना टेरिस के ऊपर बात करने कुछ टाइम तक, तो वो भी चुप खड़े थे और हम भी चुप खड़े थे। मुझे ना इतना हंसी आता है ना, अभी भी मुझे ये बात याद आता है ना, तो इतना मैं हंसती हूँ। और अभी ना मैं इनको बहुत चिढ़ाती हूँ, बोलती हूँ कि ओ माय गॉड कुछ तो बोलना चाहिए ना। तो पता है ये क्या बोले कि आप मुंबई रह लोगी, तो मैं बोली कि हाँ मैं रह लूंगी। और उसके बाद क्या बोले, आप जहाँ तक पढ़ना चाहती हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी पढ़ाई बंद नहीं होगी। क्योंकि मुझे ना पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगी अगर मुंबई रहने लगूंगी, तो बस वो मुझसे ना इतना ही पूछे, और मैं तो उनसे कुछ भी नहीं पूछी। उसके बाद हम दोनों नीचे आ गए, और उसके बाद तो सबको पसंद आ ही गया, उनको भी पसंद आ गया था, और उनके घर वाले को भी पसंद आ गया था, और मेरे घर वाले को लड़का भी पसंद था, तो सबको पसंद आ गया। तो 7 डेज के ही अंदर हमारी एंगेजमेंट हो गई, और उसके बाद ये मुंबई चले आए, और एक साल बाद हमारी शादी हुई। 2014 में हमारी एंगेजमेंट हुई थी, और 2015 में हमारी शादी हुई। और शादी होने के ना 3 या 4 मंथ बाद ना मैं मुंबई आ गई, और मुंबई आई तो मैं अपने सासू माँ को लेकर आई, वो मेरे साथ ही रहते थे। तो इस तरह हमारी शादी हुई थी। और वैसे भी बोलते हैं ना, जोड़ी तो भगवान ही बनाते हैं ना, चाहे इंसान कहीं भी रहे, जहाँ जिसका शादी होना रहेगा ना, वो किसी न किसी तरह से तो हो ही जाएगा। तो हमारी शादी हमारे भैया के थ्रू ही हुआ था, क्योंकि वो बिहार में ही रहते हैं, और अभी भी वो बिहार में ही है। आप लोगों से बातें करते करते में मेरी बेटी भी सो गई, देखिए अभी से मैं जा रही हूँ उठाने, और वैसे भी 2 बज गया है, मैं आधे घंटा से आप लोग से बातें कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में ना मैं फैन चालू कर रही थी और फिर हवा खा रही थी, फिर उसके बाद बंद करके आप लोगों से बातें कर रही हूँ। जब बातें करने लगते हैं ना, तो बीच बीच में बहुत सारे चीजें भूल जाते हैं, पता नहीं मैं आप लोग को क्या क्या बताई हूँ क्या क्या नहीं बताई हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। जब मैं एडिटिंग करने बैठूंगी तब मुझे पता चलेगा, अरे मैं तो ये छोड़ दी, अरे मैं तो ये नहीं बता पाई, तो ऐसा ही होता है। तो देखिए मैं दृशानी को उठा दी हूँ, और इसे मैं एक बार बोलती हूँ ना बेटा उठ जाओ, तो ये उठ जाती है, तुरंत उठ जाती है। मैं आप लोग से बातें कर रही थी और ये सो गई जाकर।
तो अभी मैं इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। तो इस बाय अभी ये बाय बाय बोल रही है, अभी ये बाय बाय बोल रही है, अभी इसको सोने नहीं देना है क्योंकि इसको खिलाना है ना। अभी 2 बज गया, मुझे छोटा बच्चा अभी खाना है ना, अभी मामा भी खाएगी, अभी मामा भी खाएगी, दिशानी भी खाएगी, उसके बाद मामा और दिशानी दोनों सो जाएगी, है ना। चलो चलो बाय बाय बोल दो जल्दी। बाय बाय। अगर थोड़ा सा भी आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। और हाँ, मेरी मैरिज स्टोरी के लिए तो एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। अरे अरे अरे, चलो बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो, बाय 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 बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग और गुड नाइट स्वीट ड्रीम, क्योंकि ये वीडियो तो आप लोग रात को ही देखने वाले हैं ना। सुनो,